कहाँ है आप सभी की होंडा यूनिकॉर्न जो कि आज की डेट में बहुत लोग जाना चाह रहे हैं। अभी हमारे नियर बाई शोरूम में बात करेंगे तो वहाँ पे होंडा यूनिकॉर्न अवेलेबल है, लेकिन लेटेस्ट वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। लेटेस्ट वेरिएंट इस गाड़ी कब तक अवेलेबल होगी, क्या कोई कंपनी चेंजेस कर रही है, क्यों नहीं है हमें गाड़ी अवेलेबल हो रही है, आज आपको हम इस वीडियो में इस तरह पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि हम रोज़ाना आप सभी के लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप ही सभी के हम क्वेश्चन के आंसर लेके आते हैं। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे होंडा यूनिकॉर्न के बारे में, क्या कुछ प्राइसिंग आज की डेट में करेंटली इसकी पड़ी है। आज की डेट की अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो 1,23,000 रुपीज़ सोनभद्र उत्तर प्रदेश में ये गाड़ी कॉस्टिंग कर रही है। बाकी आप लोग अपने नियर बाई शोरूम में इस गाड़ी की करेक्ट ऑनर प्राइसिंग के लिए जा सकते हैं। क्यों नहीं ये गाड़ी अवेलेबल हो रही है, जो कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोग पूछना चाह रहे हैं। देखिए दिवाली तक तो इस गाड़ी का प्रोडक्शन रुका हुआ था, उसके एक हफ्ते बाद तक ही प्रोडक्शन रुका हुआ था। मतलब आप ये एक ले सकते हैं कि लगभग इस महीने का 10 तारीख तक इस गाड़ी का प्रोडक्शन रुका हुआ, 10 से 12 तारीख तक इस गाड़ी का प्रोडक्शन रुका हुआ था और लगभग ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों का प्रोडक्शन रुका हुआ था, लेकिन इस गाड़ी का दिवाली से पहले से प्रोडक्शन रुका हुआ था। इसलिए जहाँ पर भी ये गाड़ी थी वहाँ से आउट ऑफ स्टॉक चली गई, और जहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक नहीं गई जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी थी वहाँ पे ये बाइक अवेलेबल है। बाकी कंपनी धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही है और लगभग आने वाले आपको एक महीने के अंदर ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। हमने भी अपने नियर बाई शोरूम में कांटेक्ट किया तो पता चला इस गाड़ी की प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट हो चुकी है और लगभग आपको इस महीने का 15 तारीख के आसपास इस गाड़ी की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है। तो लगभग आपको ये आपके नियर बाई शोरूम में दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होना आ जाएगी। लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपको ये गाड़ी लगभग मैक्सिमम शोरूम्स में अवेलेबल हो जाएगी। बाकी दिसंबर की एंडिंग में ऑलमोस्ट हर जगह ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। थोड़े बहुत कंपनी ने बिल्कुल चेंजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इंजन को और रीडिफाइंड किया जा रहा है, ताकि आपको जो इसका इंजन है उससे और शानदार परफॉर्मेंस वो मिले और अच्छी परफॉर्मेंस दे इंजन वाइज। तो कंपनी बिल्कुल इसमें इंजन वाइज चेंजेस कर रही है। बाकी ओवरऑल कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करेंगे तो ओवरऑल आपको बॉडी फिगर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस आने के बिल्कुल चांस बने हैं क्योंकि कंपनी जो इतना लंबा टाइम ले रही है कुछ ना कुछ आपको इसमें थोड़े बहुत चेंजेस जरूर देखने को मिलेंगे। तो वो जैसे ही हमारे पास न्यू स्टॉक आती है तो आपको हम उस वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वो जो वीडियो रहने वाला वो जल्द ही आप सभी के लिए हम लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे वो वीडियो अपडेट मिस ना हो जाए। हमने अपने नियर बाई शोरूम में कॉन्टैक्ट किया तो लगभग आप वहाँ पर 10 से 15 दिन में गाड़ी आने वाली है इसकी न्यू स्टॉक। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट रहने वाला है इस गाड़ी में। बाकी तो गाड़ी ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप 160cc की कोई बहुत ही बेहतरीन बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आपको लुक से कोई मतलब नहीं, आपको लुक उतना अच्छा नहीं चाहिए क्योंकि देखिए गाड़ी लुक वाइज भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि लुक अच्छी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे स्पोर्टी लुक देखने को मिलेगी जो कि लोग 160cc मैक्सिमम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वहाँ पे फुली स्पोर्टी लुक देखने को मिले। तो वैसे ही आपको यहाँ लुक देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो ओवरऑल गाड़ी की कैपेबिलिटी है वो बेहतरीन है, आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल के देती है, पावर फिगर्स गाड़ी के अच्छे हैं और रोड पकड़ के चलने वाली गाड़ी है। मतलब अगर आप 125cc गाड़ी से मूव कर रहे हैं थोड़ा पावर आपको चाहिए तो एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि इस गाड़ी जो माइलेज रहती है वो आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। माइलेज की बात करेंगे तो 45 से 50 km तक गाड़ी माइलेज निकाल के देने में कैपेबल है जो कि कई हद तक ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपको 45 से 50 तक का माइलेज 160cc सेगमेंट की गाड़ी से देखने को मिल जाए तो एक अच्छी बात है। और मेरे को पता भी है बहुत लोग इस गाड़ी का वेट भी कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम आप लोग और वेट कर सकते हैं और थोड़े टाइम आपको ये गाड़ी जरूर अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग गाड़ी है 160cc की और कंपनी को भी पता है कि इस गाड़ी की डिमांड अच्छी खासी आ रही है। तो कंपनी ने इस गाड़ी के प्रोडक्शन में फोकस किया हुआ है। बहुत लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें आपको LED हेडलैम्प, डिजिटल मीटर कंसोल ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी ने अभी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं किया है इसलिए मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता कि आपको इसमें LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा, LED टेल लैम्प देखने को मिलेगा या आपको मीटर कंसोल फुली डिजिटल देखने को मिलेगा। जैसे कोई अपडेट आता है, अभी हमने आपको बताया कि हमारे पास जो नियर बाई शोरूम है वहाँ पर गाड़ी जल्दी आने वाली है तो उसका हम आपको वीडियो एक फुल डिटेल कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगर होंडा यूनिकॉर्न से कोई भी अपडेट रिलेटेड आता है तो आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। तो हम रोज़ाना आप सभी के लिए इस गाड़ी से रिलेटेड लेटेस्ट कंटेंट कवर कर रहे हैं। बाकी अगर बात करेंगे तो अगर आपको एक अच्छी बाइक चाहिए 160cc में कॉम्पैक्ट बाइक ढूंढ रहे हैं जिसमें कि आप कंफर्टेबल राइड भी कर सकें और आपको पावर भी ठीक ठाक मिल जाए तो आपके लिए होंडा यूनिकॉर्न एक बेस्ट चॉइस बिल्कुल बन सकती है क्योंकि ये जो बाइक है ओवरऑल 160cc के हिसाब से बहुत अच्छी बाइक है। अच्छी खासी डिजाइनिंग रहो मिल जाती है, सिंपल एंड सिक्योर बाइक रखा गया है ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी आप गाड़ी को थोड़ा बहुत गिरा भी दें या गाड़ी का थोड़ा बहुत इधर उधर गिर भी जाए तो कोई ज़्यादा आपको डैमेज नहीं होना मिले। पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी रहती है इसलिए सबसे सस्ती बाइक है 160cc सेगमेंट की और इसका आज के दिन में कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट इस गाड़ी से जाता है। इसको कोई कॉम्पीट करने वाली दूसरी बाइक नहीं आज की डेट में इंडियन मार्केट में। तो बिल्कुल अगर आप लोग 160cc की कोई वन ऑफ द बेस्ट बाइक ढूंढ रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं 160cc में कोई अच्छी बाइक लेने का जिसमें कि आप कंफर्टेबल राइड कर सकें तो ये गाड़ी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल बन सकती है क्योंकि जो गाड़ी आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, बैक में आपको मोनोसक सस्पेंशन
उसके अलावा इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बेस्ट इन द सेगमेंट लगभग रहने वाली है। 190 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस, 189 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाती है। तो वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आपको ऑफर की जाती है 160 cc सेगमेंट के हिसाब से। ब्रेकिंग वाइज भी कोई कॉम्प्रोमाइज ओवरऑल देखने नहीं मिलता है, ब्रेकिंग भी गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है। फ्रंट में आपको सिंगल चैनल बेस, बैक में आपको ड्रम ब्रेकिंग देखने मिल जाती है। तो ब्रेकिंग वाइज कोई आपको ज़्यादा इशू या प्रॉब्लम देखने नहीं मिलेगा, ब्रेकिंग वाइज गाड़ी सक्सेसफुल है। बाकी जो बैक का टायर का साइज है उसको भी थोड़ा वाइडर रखा गया है ताकि रोड पर आपको बेटर ग्रिप, बेटर स्पीड, स्टेबिलिटी देखने मिल जाए। तो ये था फ्रेंड्स एक होंडा यूनिकॉर्न के ऊपर फुल डिटेल्ड वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि हम रोजाना आप सभी के लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप सभी को हम बाइक और स्कूटी की दुनिया से अप टू डेट रखते हैं। बाकी अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को बिल्कुल रिप्लाई दूंगा। बाकी हम होंडा यूनिकॉर्न पे ए टू जेड सारे अपडेट कवर कर रहे हैं, छोटा सा बड़ा अपडेट, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो जाए। थैंक यू।